सो हेलो इंडिया, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग और स्वागत है आपका मेरी ज़िंदगी में। जैसा कि आपको पता है कि अभी हम बस्तर आए हुए हैं और ये है कांगेर वैली नेशनल पार्क, जो कि बस्तर का एक फेमस स्पॉट है और ये जगदलपुर में है। अभी हम जा रहे हैं कांगेर वैली नेशनल पार्क की राइड करने, और यहाँ अगर आपको आना है और इसका विज़िट करना है, टूर करना है, तो इस सफारी के लिए, जंगल सफारी के लिए आपको अप्रॉक्सीमेटली 3 बजे से पहले आना होगा। हम लोग थोड़ा लेट हो गए हैं, हमें टिकट्स नहीं मिल रहे थे, बट थोड़ी कोशिश करने के बाद हमें टिकट्स मिल गए और अब फाइनली हम जा रहे हैं जंगल सफारी करने। तो ये बेसिकली एक अंदर एक विलेज है और यहाँ के लोग ही, यहाँ के स्टाफ हैं और यहीं रहते हैं, और यहाँ के स्टाफ भी वही लोग हैं और यहीं, यहाँ जो अंदर रहते हैं वही इन यहाँ पे जो है वो छोटा मोटा एक बिज़नेस करते हैं या काम वाम करते हैं। और ये है फर्स्ट स्पॉट कांगेर वैली नेशनल पार्क का, जो कि एक वाटरफॉल है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि वाटरफॉल कैसा है और फिर आगे दिखाता हूँ कि हम और कहाँ कहाँ जाएंगे। और यहाँ पे हम आए हैं, अभी तक तो हमें रास्ते में कोई भी एनिमल नज़र नहीं आया है। देखते हैं आगे और क्या क्या नज़र आता है। सो गाइस, ओवरऑल वाटरफॉल ठीक था और वाइल्ड लाइफ अभी तक नज़र नहीं आ रही है। ये गुफा है यहाँ, वही वाला, चलो आप सही बोल रहे थे, 3 गुफा है। और जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग थोड़ा लेट पहुँचे हैं और बड़ी मुश्किल से हमें टिकट्स मिले हैं, और टिकट्स के साथ ये जो ड्राइवर है वो ही हमारा गाइड भी है, तो उसके चार्जेस भी इंक्लूडेड होते हैं उसमें। और चार्जेस हो सकता है कि आप जब आएँ तो अलग हों, तो वो वेरी करते हैं शायद सीज़न टू सीज़न। और ये जो गाइड है वही हमें लेके जा रहे हैं और वही हमें गाइड करेंगे। हम लेट हो गए थे तो तीनों में से कोई एक ही गुफा जा पाएंगे। मैंने इनसे कहा कि जो बेस्ट है यहाँ पे आप हमें वहीं लेके चलिए। तो अभी हम जा रहे हैं कोतमसर गुफा, तो चलिए मैं आपको यहाँ से वर्चुअल टूर कराता हूँ कोतमसर गुफा का और फिर बताता हूँ आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा। सो गाइस, हम पहुँच चुके हैं कोतमसर गुफा के स्टार्टिंग पॉइंट पे, और ये देख सकते हैं आप तीनों केव्स के नाम, और हम जा रहे हैं कोतमसर केव में। सो गाइस, मेरा तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है केव्स के अंदर। मैं कभी केव्स के अंदर गया नहीं हूँ, सो लेट्स सी कि कैसा होता है। थोड़ा सा डर भी लग रहा है, खाने का मिल रहा था वहाँ पे भाई, भूत बंगले जैसी फीलिंग आ रही है। और ये नेशनल पार्क का मैप, आप
आज लगा है कि भूत बंगले में आया हूँ। बहुत डर लग रहा है भाई लोग, पहली बार गुफा के अंदर जा रहा हूँ, पता नहीं जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, कैसा रास्ता है चलिए दिखाता हूँ आपको मैं। और ये एंट्रेंस है गुफा का, केव का। ओ भाई बहुत ही नैरो पैसेज है, और ये आप देख सकते हैं स्टेयर्स, बहुत ही आराम से जाना होगा। ये तो एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है गाइस, मैं फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, केव्स के अंदर जाना और केव्स को एक्सप्लोर करना। बहुत ही अच्छी वाइब्स आ रही हैं और अच्छा फील हो रहा है अभी तक तो। अंदर का हमारे गाइड ने बताया कि ऑक्सीजन लेवल जो है वो थोड़ा कम रहता है केव्स के अंदर, और भी बहुत सारे लोग हैं जो केव्स के अंदर जा रहे हैं और केव्स के अंदर ऑलरेडी जा चुके हैं, तो धीरे धीरे एक एक करके जाना होगा हमें। वो जो उन लोग का भरा वो बॉटल जो उन लोग ढूंढ रहे थे दे पड़ा है। इधर देखो इधर सो गाइस अभी तक तो ठीक लग रहा है, धीरे धीरे सब अंदर जा रहे हैं, और वो जो टॉर्च पकड़े हुए वो हमारे गाइड हैं, और वो ही पूरी केव को हमें साथ में घुमाएंगे, और टॉर्च सिर्फ उन्हीं के पास है, और हमारे पास जो फ़ोन है उसकी फ्लैशलाइट्स हैं। सो वो गाइड जो है वो हमें पूरी केव्स घुमाएंगे और इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन बताएंगे और अंदर क्या क्या है, जो भी स्पॉट्स हैं वो दिखाएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इस केव के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। ये बहुत साल पहले व्हाइट और शाइनिंग करता था, ये भी क्या है कि पहले लोग पेट्रोमैक्स का ड्रिल मसाज से दिखाने लाते थे, अभी तो लाइट वेट है तब से लाइट। सो गाइस गाइड ने हमें बताया कि ये गुफा जो है वो 1900 के आसपास खोज हुई थी इस गुफा की, और 1951 से इस गुफा को चालू किया गया, पब्लिक किया गया। और ये जो आप देख रहे हैं ये है स्टेलेक्टाइट, और यहाँ से जो पानी स्टेलेक्टाइट से नीचे टपकता रहता है उससे नीचे बनता है स्टेलेक्माइट। और ये तो कुछ वैसा लग रहा है कि बचपन में मैं जो कार्टून में देखा करता था, लोग गुफा में जाते थे और ये हमको देखने को मिलता था, हीरे जवाहरात, वैसे ही कुछ चमकीला सा सब्सटेंस है ये। और ये दीवार पे शेर बना हुआ है, शेर के शेप का स्टेलेक्टाइट है ये। और ये है सामने, आप देख सकते हैं ये कुछ एलिफेंट जैसा दिख रहा है, एलिफेंट के फेस का, एलिफेंट जैसा दिख रहा है ये स्टेलेक्टाइट। सो स्टेलेक्टाइट एक्चुअली क्या है, जो पानी जो ऊपर से टपकता है गुफा के अंदर उससे ये सब्सटेंस फॉर्म होता है, और बहुत ही चमकीला। बहुत
और ये छोटा सा एक पॉट है, एक हो जैसा यहाँ पे पानी जमा हुआ है और इसमें कुछ फिश है। तो गाइड ने हमें बताया कि ये जो फिशेस हैं ये अंधी हैं, ये अंधी मछलियाँ हैं, क्योंकि केव्स के अंदर जो है वो लाइट नहीं आती, तो उसके वजह से ये जो मछलियाँ हैं वो ही रहती, इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। ये फिश आप देख सकते हैं, छोटी छोटी जो फिश हैं ये ब्लाइंड है, ब्लाइंड फिशेज हैं। चलो चलते हैं। ये गुफा ही है मतलब। नहीं यहाँ तक चल, यहाँ तक फिर जा रहा है। ये वाला ऊपर देखो, मंदिर में रहता है, ऐसे दिखे तो पूरा बमवार बमवार बन गया। जो मैं बाद में टॉक किया उसके एकदम सेंटर में। और गाइज ये इस गुफा का सबसे डरावना पार्ट है, ये एक शैतान की आंखों जैसा दिख रहा है, आप देख सकते हैं डिप्टो शैतान की आंखें दिख रही हैं। ये पानी के रेगुलेटर में इतने अंदर अंदर कोई जा ही नहीं पाता, कोशिश करता हूं। आइए दिखाइए, कोई पहाड़ के नीचे भी जा नहीं करता थोड़ा सा। सो गाइज गाइड ने हमें बताया कि इस गुफा में अभी भी इतने सारे और रास्ते हैं जो कि खोजना बाकी है। इस गुफा की पूरी खोज नहीं की गई है, ठीक है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम बीच बीच में आके इस गुफा पे अभी भी रिसर्च करती रहती हैं। और ये देख सकते हैं आप, फाइनली हमें इस गुफा के अंदर खजाना मिल चुका है। सो गाइस ओवरऑल बहुत ही अच्छा और बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है इस केव के अंदर आने का। तो आप अगर बस्तर जगदलपुर विजिट करते हैं, गांगर नेशनल वैली पार्क आते हैं, तो इस केव को डोंट मिस आउट दिस केव। और ये हमारा फ्रेंड स्पाइडरमैन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, और अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।